सो दोस्तों, क्या आपको भी दो व्यू तीन व्यू आके आपका वीडियो का व्यू रुक जाती है? तो दोस्तों, अगर आपको भी ये सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा है ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, सेम प्रॉब्लम मैं भी बहुत टाइम से फेस कर रहा था और मैंने इसका जुगाड़ निकाल लिया है। अब अगर आप देखोगे तो मेरे वीडियो पे 2000, 3000, 4000, 50000 तक व्यू चले जाते हैं। तो दोस्तों, हम एक गलती करते हैं, छोटी सी गलती, वीडियो अपलोड करने टाइम, जिसकी वजह से हमारा वीडियो वायरल नहीं हो पाता है और औरों की तरह मिलियन में व्यू नहीं जा पाता है। तो मैंने उसका एक अपग्रेड वर्जन निकाल लिया जो कि मैंने सॉल्व कर लिया है। और आपको भी अगर ये दो तीन व्यू वाला प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि आपने वीडियो अपलोड किया, मात्र 10 व्यू पे जाकर रुक गया, 100 व्यू मैक्सिमम गया, उसके बाद रुक गया, यार दो दो घंटा, तीन तीन घंटा वीडियो बनाओ, अपलोड करो और मात्र देखोगे तो मात्र 2 व्यू, 10 व्यू, 50 व्यू, परेशान हो, वीडियो को पूरा देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, हमारा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है हमारे वीडियो अपलोड करने के तरीके में। हम गलती कर देते हैं वीडियो अपलोड करने टाइम। तो चलिए, इसी को मैं आज इस वीडियो में आपको सॉल्व करूंगा। तो सही से पहले मैं आपको बताता हूं कि वीडियो अपलोड करते कैसे हैं। वीडियो अपलोड करने के लिए आपको जो भी वीडियो डालना है उसको आप सिंपली यहां पे आना एंड अपलोड का एक ऑप्शन होगा। इस अपलोड के ऑप्शन में सिंपली क्लिक करना। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अपलोड के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको जो भी वीडियो होगा उस वीडियो को आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में आना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तों, कुछ भी नहीं लिखना है। फिर से देख लो, हम लोग यहीं से सब कुछ लिख देते हैं जिससे वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। थंबनेल एक अच्छा सा बना लेना है, उसके बाद आपको नीचे में आना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना है। इसको अनलिस्टेड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे अनलिस्टेड ही करना है। पब्लिक और प्राइवेट, बहुत से लोग प्राइवेट करके अपलोड करते हैं, तो प्राइवेट भी नहीं करना है। प्राइवेट करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको प्राइवेट भी नहीं करना है और पब्लिक भी नहीं करना है, हमको करना है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे जब आप क्लिक कर लोगे तो होगा क्या, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, सो अपलोड होगी और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमारा काम है यूट्यूब स्टूडियो का। तो हम यूट्यूब स्टूडियो ढूंढ लेते हैं, यूट्यूब स्टूडियो खोल लेते हैं एंड आपने जो वीडियो अपलोड पे लगाया है उस वीडियो को आने का वेट करते हैं। सो अब दोस्तों, करना क्या है कि आप पहले एक अच्छा सा थंबनेल बनाओ। आपके थंबनेल में आपके टाइटल का जो आप लिखे होंगे वो आपके थंबनेल में होना चाहिए, मतलब कि जो आपका वीडियो है वो थंबनेल में भी साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखना चाहिए। क्योंकि भाई, अगर कोई सर्च करेगा तो उसके पास डायरेक्टली आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, डायरेक्टली उनको आ जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वीडियो यहाँ पे आ चुकी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं आया है, क्योंकि भाई मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं ना, अभी तो मैंने इस पर कुछ दिखाया ही नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है, आप थंबनेल अच्छा से डाल लेना। मैंने कोई थंबनेल नहीं डाला है यहाँ पे। अब जो इम्पोर्टेंट काम है हमारा, सबसे पहला यहाँ पे हाउ टू, मान लो कि मेरा मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल या फिर हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। ओके, तो मान लो कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। जितना छोटा टाइटल होगा उतना ज्यादा आपके लिए आसानी होगी वीडियो वायरल होने में। उसके बाद आपको सेम इसको भी, उसके बाद आपको जो भी टाइटल में देना है, डिस्क्रिप्शन में देना है, आप वो दे सकते हो, आपके ऊपर है। बट ये चीज होना चाहिए, जैसे ये दोनों हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला एंड यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन, अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, वो सब का लिंक डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन बहुत सा होता क्या है, बहुत से लोग टैग 1000 टैग डाल लेते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसा कुछ नहीं करना है, इससे आपके डिस्क्रिप्शन के एल्गोरिदम को प्रॉब्लम होती है और आपका वीडियो वायरल होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पहले मैं भी यार 1000 टैग डाल दिया करता था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट उससे प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद अभी भी इसको ऑडियंस पे ही रहने देना है, प्राइवेट में ही रहने देना है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे अनलिस्टेड है, इसको अनलिस्टेड में रहने देना है। अभी हमारा सारा काम अभी बचा हुआ है, अभी तो हमने स्टार्ट तक नहीं किया है। उसके बाद ऑडियंस वाला यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग में यस मेड फॉर किड में एक्टिव होता है, तो आपको इसको नहीं, आपको नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड। दोस्तों, इसमें क्या है कि हम मुझे बताना है कि मेरा वीडियो है वो किसके लिए है, बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है। तो सिंपल है, तो आपको क्या करना है कि आपको करना है कि नहीं भैया, मेरा वीडियो जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, वो बड़ों के लिए। बच्चों के लिए अगर होगा तो, अगर आप कोई कार्टून वीडियो डालते हो तो वो आप यस मेड फॉर किड डाल दोगे तो वो बच्चों के लिए हो जाएगा। एज रिस्ट्रिक्शन, दोस्तों एज रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं डालना है, नो 80+ रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी मेरा वीडियो देख सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा भी मेरा वीडियो देख सकता है। तो इतना करने के बाद अब आपको नीचे में आना है, ऐड टू प्लेलिस्ट। अगर आपके पास कोई प्लेलिस्ट है तो उस प्लेलिस्ट को भी इसमें ऐड जरूर करें। इससे क्या होता है कि कभी कभी है ना, आपके सर्च में ना प्लेलिस्ट भी वायरल हो जाता है, तो आपको प्लेलिस्ट भी अगर वायरल करना है तो प्लेलिस्ट का भी यूज जरूर किया करो। उसके बाद इतना होने के बाद अब आता है मेन ऑप्शन, जो कि है टैग कैटेगरी। तो पहले आपका ये जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये आपको टैग में भी डालना होगा। इस पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको टैग डालना है और आपका जो भी कैटेगरी हो उस कैटेगरी से रिलेटेड कम से कम 20-30 टैग डाल दो। और हाँ, जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड ही डालना, ऐसा नहीं कि कुछ भी लेकर डाल दिया, कैटेगरी से रिलेटेड ही टैग डालना।
उसके बाद ये हो गया, एंड देन उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है आपका कैटेगरी कौन सा है। कैटेगरी पे क्लिक करना, अगर आपका कैटेगरी कार्स एंड बाइसिकल का है तो इसमें डालो, कॉमेडी का वीडियो बनाते हो तो कॉमेडी कर दो, एडुकेशन इंटरटेनमेंट जो भी आपका है वो कर दो। जैसे कि मैं बना रहा हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो इसमें मैं कुछ सिखा रहा हूँ। देखा जाए तो चैनल एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं एक क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो पीपल एंड ब्लॉग कर सकते हो, स्पोर्ट है तो स्पोर्ट कर सकते हो। उसी तरह से मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दिया हूँ। अब इसके बाद इंक्रीज स्ट्रिक्टनेस, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप लोग देखो, आप चाहते हो कि आपको कैसा कमेंट आपको दिखे, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपको ऑल कमेंट दिखे, जो भी कमेंट आप पे एक वीडियो पे कोई कर रहा है आपको वो सब दिखे, तो आप इस पे क्लिक कर दो, ये आपके ऑडियोस को भी दिखेगी। उसके बाद ये सब है, बट आप हमेशा इसमें ये वाला भी किया करो, ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं इसी को ही ऑन रखता हूँ। इसके बाद स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, दोस्तों स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस क्या होता है कि आप चाहते हो कि अगर आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस को ऑन किया हुआ है तो इससे क्या होगा कि आपका ये वीडियो कोई और कॉपी करके अपलोड नहीं कर सकता है और उस पर एडवर्टाइजमेंट ऑन नहीं कर सकता है, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर सकता है। बट अगर आपने क्रिएटर कॉमन एट्रीब्यूट पे कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप किसी भी यूजर को, किसी भी बंदे को बोल दो कि भाई तुम मेरा वीडियो निकालो, अपलोड करो और मोनेटाइजेशन भी ऑन करो। तो ये आप देख लो आप चाहते हो या नहीं, वैसे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही हर कोई ऑन रखता है। उसके बाद एलो इम्बेडिंग, दोस्तों इस ये क्या है कि एलो इम्बेडिंग में क्या होता है कि मान लो कि आप देखते होंगे कभी कभी कि वीडियो है ना वो क्रोम पे आ जाता है या फिर वीडियोस कहीं पर भी आ जाता है, कोई अपना वेबसाइट पे लगा लेता है, तो अगर आपने एलो इम्बेडिंग को ऑन किया हुआ है तो आपका वीडियो का यूज कहीं पर कोई भी कर सकता है। सो आप इसको बस अलाउ करते हो कि आप मेरे वीडियो का यूज कर सकते हो। मान लो किसी ने वेबसाइट बनाया कि YouTube कैसे चैनल कैसे क्रिएट करते हैं और उस आर्टिकल में आपका ये वीडियो उसने पिन कर दिया, बट अगर आपने अलाउ किया होगा तभी पिन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ये हमेशा आपको अलाउ करके रखना है। देन इतना करने के बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे ये वीडियो डिलीट करना है तो आप यहां से कर सकते हो। दोस्तों अब आपने देखा कि हमने एक एक चीज सही सही किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग तीनों में ना एक ही चीज होना चाहिए, जिससे अगर कोई सर्च करता है तो मेरा वीडियो उसको सबसे पहले जाए। ये चीज आपको नोटिस करना है और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा आप करके अब आपको सिंपल सब चीज आपका हो जाएगा, तो पब्लिक पे जाके इसको पब्लिक कर देना और इसको फिर पब्लिक करने के बाद सेव कर दोगे तो आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा। दोस्तों ये गलती पहले मैं करता था और मैंने इसको सुधार किया है। डायरेक्टली हर काम मैं यूट्यूब स्टूडियो से ही करता हूँ। अगर आप डेस्कटॉप का यूज करते हो, लैपटॉप का, तो भी आप यही सेम काम करो स्टूडियो से जाके, तो आपका वायरल जरूर होगा वीडियो। वीडियो सुना तो लाइक कीजिए। बाय बाय।